हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में। फ्रेंड्स, बिहार मैट्रिक रिजल्ट जो है ना, इसकी घोषणा से रिलेटेड बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ गई है सामने। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी विनती है, अगर आप चैनल में नए हो, बिहार मैट्रिक रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो तो फ्रेंड्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या क्वेरीज हैं बिहार रिलेटेड मैट्रिक रिजल्ट से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट जो है ना, इसका जो रिजल्ट के बारे में जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी जो एग्ज़ाम चली थी 17 से 24 फरवरी तक चली थी। अब ये कुछ न्यूज़ कटिंग पढ़ लेते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जांची जाएंगी मैट्रिक परीक्षा की कॉपियाँ। देखिए, 14 अप्रैल के बाद शुरू होगा मूल्यांकन, अप्रैल अंत तक रिजल्ट संभावित है। देखिए फ्रेंड्स, लॉकडाउन के चलते मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जाँच जो है ना 14 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई थी। बिहार बोर्ड ने कोरोना महामारी के चलते पहले 31 मार्च तक कॉपियों का मूल्यांकन स्थगित किया था, अब इसे लॉकडाउन समाप्त होने तक बढ़ा दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि लॉकडाउन में कॉपी की जांच नहीं हो सकती। सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारी और मूल्यांकन केंद्र निदेशक को इसकी सूचना दे दी गई है। सभी को यह कहा गया है कि तब तक उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कॉपी जाँच में देर होने पर जो है रिजल्ट पर असर पड़ेगा। अगर लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त होता है तो अप्रैल के अंत तक रिजल्ट घोषित होने का संभावना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 48 शिक्षक पर जो सकते हैं योगदान, व्हाट्सएप पर भेजना होगा नियंत्रित पदाधिकारी का आवेदन। तो ये बताया फ्रेंड्स, ये सारे के सारे, ये तो ठीक है, इसके बारे में तो बाद में जाँच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैट्रिक परीक्षा की कॉपी जो है ना, कब तक जाँच कराई जाएगी? 14 अप्रैल के बाद ये पूरा मूल्यांकन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।